हेलो एवरीवन, तो चलिए आज हम बनाते हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल केक। हम इस केक को बिना अंडा, बिना ओवन या फिर बिना व्हिप्ड क्रीम के बनाएंगे। सबसे पहले हम बाउल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। फिर हम अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लेवल करके बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि इनके अंदर जो भी गुठलियाँ हो वो निकल जाए। छानने के बाद एक बार हम इन सभी चीज़ों को मिला देंगे। इसे हम रख देंगे साइड में और फिर हम एक लेंगे दूसरा बाउल। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच पिसा हुआ चीनी। फिर उसी कप से मैं डालूँगी 1 कप फ्रेश दही। याद रहे दही ज़्यादा खट्टा ना हो। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद एकदम अच्छे तरीके से फेंटना है। इस तरीके से फेंटिएगा कि ये क्रीम बन जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। याद रहे आपका तेल में कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, फ्लेवरलेस ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑयल डालने के बाद इसको एक बार अच्छे तरीके से फेंट लीजिए। देखिए ये कितनी क्रीमी क्रीमी टेक्सचर दिख रही है। अब हम जो मैदा और कोको पाउडर वाला बाउल रेडी किया था, बस उसी में इन सारे दही वाले और चीनी वाले बैटर को डाल देना है। इन बैटर को डालने के बाद एकदम हल्के हाथों से इसको फेंटिएगा। याद रहे आप इसको फेंटिएगा तो एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा। और फेंटते समय एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आप इसे एकदम स्लो मोशन में फेंटिएगा। देखिए मैं कितने आराम आराम से फेंट रही हूँ इसे। अगर आप इस बैटर को जल्दी जल्दी फेंटिएगा तो इसके अंदर का बबल सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ केक टिन है। अगर आपके पास केक टिन ना हो तो कोई भी घर का प्लेन बर्तन इस्तेमाल करें। केक टिन में मैं डाली हूँ 1 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं चारों तरफ ऑयल को अच्छे तरीके से लगा ली हूँ ताकि केक हमारा बर्तन में चिपके नहीं। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं सारे बैटर को डाल दी हूँ और बैटर डालने के बाद एक स्पैचुला की मदद से इसको लेबल में कर रही हूँ। अब हम इसको पटक पटक के इसके अंदर जितने भी बबल होंगे उसको ख़त्म करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ इडली के स्टैंड में केक बनाती हूँ। तो देखिए मेरा इडली का स्टैंड भी एकदम पूरा ख़राब हो चुका है क्योंकि मैं जब भी केक बनाती हूँ तो इसी में बनाती हूँ। अब हम इसे रख देंगे गैस पे और लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे। तो चलिए जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम क्रीम बना लेते हैं। सबसे पहले मैं पैन में डालूंगी 1 कप दूध। दूध डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप चीनी। और इधर देखिए मैं एक बाउल में ली थी 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और उसमें 2 चम्मच गुनगुना दूध डाल के उसका एक पेस्ट बना ली थी। जब दूध उबल जाए तो हम इस कस्टर्ड पाउडर को दूध में डाल देंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध एकदम ठीक हो जाता है। तो आप गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें और लगातार चलाते रहें। तो देखिए मैं दूध को लगातार लो फ्लेम पर चलाते इसको इतना ठीक कर ली हूँ। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमें कस्टर्ड वाला बैटर इतना ही थिक चाहिए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे 1 बाउल में और इसे हम रख देंगे ढक के। और जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो हम इसे रख देंगे फ्रिज में एकदम चिल्ड होने के लिए। तो अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है तो अब हम इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज या फ्रीजर में ताकि ये पूरा चिल्ड हो जाए। अब हम रखेंगे गैस पर एक पैन। गैस अभी मेरा बंद है। पैन में मैं डालूँगी 1 कप भर के डार्क चॉकलेट कंपाउंड। फिर मैं डालूंगी 1/4 कप अमूल का फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप यहाँ दूध का इस्तेमाल करें। अब हम गैस को ऑन करेंगे और लो फ्लेम पे चॉकलेट को एकदम मेल्ट कर लेंगे। जब चॉकलेट मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच बटर। देखिए बटर डालते डालते चॉकलेट में कितना साइन आ गया है। तो देखिए चॉकलेट भी मेल्ट होकर एकदम रेडी हो गया है। तो अब हम इसे होने देंगे एकदम ठंडा। तो देखिए चॉकलेट अब ठंडा हो गया है। मैं इसे फ्रिज में नहीं रखी थी। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हाथ वाला जो मथनी होता है हैंड बीटर उससे आप इसको ब्लेंड कर लें। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी हमारा बन के रेडी हो गया है। तो देखिए हमने जो कस्टर्ड का क्रीम बनाया था वो भी एकदम ठंडा हो गया है। तो अब वही चॉकलेट वाले बीटर से हम इसे भी बीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर भी चॉकलेट का फ्लेवर आ जाए। तो देखिए मैं इसे 2 मिनट के लिए बीट कर ली हूँ और ये भी बनके एकदम रेडी हो गया है। मैं एक छोटा सा बाउल में 1 चम्मच पहले ही चॉकलेट गनाश निकाल कर रख ली थी। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच पिसा हुआ चीनी और 2 से 3 चम्मच पानी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद एक बार इन दोनों को अच्छे तरीके से मिला दें। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है चॉकलेट शुगर सिरप। तो अब आप देखिए केक भी बनके एकदम रेडी हो गया है। आपको सही में यकीन नहीं होगा कि आप इसे घर में ही केक बनाए हैं। तो बस अब हम केक को मोल्ड से बाहर निकालेंगे। तो देखिए केक कितना फ्लॉपी बना हुआ है।
तो चलिए अब मैं इसे धागे की मदद से दो पार्ट में काट लूँगी। आपको धागे से काटना पसंद है तो आप धागे से काटिए, नहीं तो आप नाइफ से भी काट सकते हैं। केक को धागे से काटना मुझे बहुत ईजी लगता है, इसलिए मैं हमेशा केक को धागे से ही काटती हूँ। तो देखिए मैं इसे किस तरीके से काट रही हूँ, बस धागे को जिगजैग करते जाइए और ये कट जाएगा। तो देखिए आपको यकीन हो रहा है कि ये केक आप घर में बनाए हैं, इतना जाली इसके अंदर बना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना प्यारा सा केक। फर्स्ट लेयर को मैं हटा दी हूँ और दूसरे लेयर पे मैं इसका फिलिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें शुगर सिरप डालूँगी जो हमने चॉकलेट का बनाया हुआ था, तो बस 2 से 3 चम्मच इसमें डाल देना है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना कस्टर्ड का बनाया हुआ क्रीम। तो इस कस्टर्ड के क्रीम को आप अच्छे मात्रा में इसमें डालें क्योंकि हमें एक ही बार डालना है। कस्टर्ड वाले क्रीम को डालने के बाद इसको इवन चारों तरफ लगा दें। तो देखिए मैं इस क्रीम को चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला रही हूँ ताकि हमारा केक एकदम बराबर बैठे। तो देखिए मैं क्रीम को चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला ली हूँ। अब इसके ऊपर रख देंगे हम केक वाला दूसरा लेयर। इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप से अच्छे तरीके से इसको मॉइस्ट कर लेंगे। शुगर सिरप डालने के बाद सबसे पहले हम नाइफ से इसके किनारों में जो क्रीम निकला हुआ है बस उसे चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला लेंगे। अब देखिए अब मैं यहाँ ली हूँ एक पाइपिंग बैग और इसके अंदर हमने जो चॉकलेट का गनाश बनाया था बस वही इसके अंदर हम फिल कर देंगे। इससे चॉकलेट को स्प्रेड करना बहुत ईजी हो जाता है। मैं इस पाइपिंग बैग में नोज़ल लगाई हूँ क्योंकि मेरा पाइपिंग बैग पहले से ही कटा हुआ था। अगर आपके पास नोज़ल ना हो तो सीधा आप पाइपिंग बैग को गोल शेप में काट लें। अब कुछ करना नहीं है, बस चॉकलेट को अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा लें जैसे मैं लगा रही हूँ। आप जब इस केक को अपने घर में बनाइएगा तो सही में यकीन नहीं होगा किसी को कि आप इसे घर में बनाए हैं। चॉकलेट केक और कस्टर्ड का कॉम्बिनेशन सही में एकदम माइंड ब्लोइंग लगता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैं चॉकलेट को चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा ली हूँ। अब हम इसको चलते हैं लेबल में करने। तो मैं यहाँ पैलेट नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पैलेट नाइफ ना हो तो आप यहाँ चाकू का इस्तेमाल करें। सबसे पहले देखिए मैं एक बगल में गर्म पानी रखी हूँ, उस गर्म पानी में मैं सबसे पहले पैलेट नाइफ को डिप कर रही हूँ, फिर मैं चॉकलेट को स्प्रेड कर रही हूँ। इस तरीके से करने से चॉकलेट बहुत आसानी तरीके से स्प्रेड हो जाता है, तो ये मेरी इस टेक्निक को ज़रूर अपनाइएगा। तो बस अब हम एक स्क्रैपर लेंगे और एक स्क्रैपर की मदद से इसको इवन चारों तरफ से गोल कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बना के इसको रेडी कर लीजिएगा। अब मैं ली हूँ कॉम वाला स्क्रैपर और इसके ऊपर हम इससे हल्का सा बस थोड़ा सा डिज़ाइन बना कर रेडी कर लेंगे ताकि देखने में ये अच्छा लगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, तो साइड साइड से भी हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो अभी भी मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट बचा हुआ है, तो बस उसे पाइपिंग बैग में डालने के बाद और एक मैं उसमें N1 नोज़ल लगाई हूँ उससे मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपके पास नोज़ल ना हो तो सिंपली आप यहाँ छोड़ दीजिए और इसके ऊपर आप शुगर बॉल्स लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्प्रिंकल हो आप वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इससे भी केक का लुक बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लावर ताकि देखने में यह और सुंदर लगे क्योंकि वैलेंटाइन डे स्पेशल हम केक बना रहे हैं। तो आपने आज से पहले इस तरीके से केक बनाया है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बनाया है तो इस मेरी आज की ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए केक हमारा बन के एकदम रेडी हो गया है। तो देखिए मैं आप काट के भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लग रहा है कि आप ये केक घर में बनाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।